Assalamu alaikum students. Today we are going to start exercise 2.3. Question number 2. Arrange the following rational numbers in descending order. ठीक है जी, तो हम इन ये जो हमें rational numbers दिए हैं इनको हम descending order में arrange करेंगे. Descending order का मतलब है कि हम जो है बड़े से छोटे की तरफ आएंगे. Descending order ये होगा. ठीक है जी, हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे. तो ये जो पार्ट नंबर 1 है इसको मैं स्टार्ट करता हूँ. इसको सॉल्व करते हैं कि हम कैसे जो है इस रैशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ. तो ये देखें, डिनोमिनेटर में 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, 2 है, 3 है, 9 है. तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है नीचे डिनोमिनेटर्स एक जैसे किए थे. तो डिनोमिनेटर एक जैसे होने का मतलब ये है कि हमने इनका एलसीएम लेना है. ठीक है, एलसीएम लेना है. तो एलसीएम हम पहले इन तीनों का जो है फाइंड कर लेते हैं कि एलसीएम के इतना होगा इन दोनों तीनों नंबर्स का. जी तो ये मैंने इनका एलसीएम लिया है. पहले मैं जो है 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 2 वैसे का वैसा आ जाएगा. 3 वन ज़ार 3 आ जाएगा और ये 9 है, 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा. फिर मैं 3 से करता हूँ, ये 2 ऐसा आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और 3 ये 3 वन ज़ार 3 ही बन जाएगा. ठीक है, अब 2 की बारी है, हमने एंड तक जाना जब 1 1 आ जाए. देखिए तीन नंबर आ रहे हैं, 9 थ्री थ्री ज़ार 9 और 2 19. जी तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 18 इनका एलसीएम आ रहा है. एलसीएम लेने का मतलब ये है कि इनके जो है तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हमने क्या बनाने हैं, 18 बनाने हैं. ठीक है, तो हम इन सारों को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखें इसका 18 कैसे बन सकता है, हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को. ये जो है किस तरह 18 बन सकता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हर एक नंबर को हम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके इसका जो एलसीएम है, इनकी जो डिनोमिनेटर्स कह सकते हैं, उनको सेम करेंगे. जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया ये भी 18 बन जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो जाएगा, इसको 9 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो जाएगा. अब अगर हम नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, ये 9 बाय 18 आ जाएगा, ये जो है 12 बाय 18 आ जाएगा, ये जो है 16 बाय 18 आ जाएगा. ठीक है जी, तो इनके ये जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो चुके हैं. अब जो ऊपर नंबर्स हैं उनका हम जो है रिलेशन चेक करते हैं कि उनका क्या है आपस में रिलेशन. जी तो इन तीनों को हमने डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया. देखें नीचे डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, लेकिन अब ये जो है ऊपर जो 16 सबसे बड़ा है वो पहले आ जाएगा, उससे छोटा है 12 तो 12 आ गया, उससे छोटा है 9 तो 9 आ गया. हम डिसेंडिंग आ रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं. नीचे उनके डिनोमिनेटर सेम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमने डिसेंडिंग में इनको अरेंज कर दिया. अब ये तो था जो हमने सॉल्व करके लिखे हैं. अब जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं हमने बेसिकली उन नंबर्स को अरेंज करना है. तो देखें जी, ये 16/18 का मतलब है 8/9 है. तो ये जो पहला नंबर है इसकी जगह पे इसके नीचे ही आपने बिल्कुल लिखना है 8/9. ठीक है, अब ये जो 12/18 है इसका मतलब है कि आपने ये जो है 2/3 है. ये तो हमने खुद इसको 12/18 बनाया ना बेसिकली, तो ये 2/3 था ना, हमने खुद मल्टीप्लाई 6/6 से करके जो है उसको 12/18 कर लिया. बेसिकली ये जो नंबर है 2/3 है. तो जिस पोजिशन पर 12/18 है उस पोजिशन पर बिल्कुल उसके नीचे जो आपने लिखना है 2/3. अब देखें जी, इधर आपने थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है 9/18, तो 9/18 का बेसिकली क्या मतलब है, 1/2. ठीक है, क्योंकि 9/18 कैसे बना था, पहले तो 1/2 ही था ना, हमने खुद 9/9 से मल्टीप्लाई करके उसको 9/18 कर लिया. तो जिस ये थर्ड पोजीशन पे है 9/18, तो आपने बिल्कुल इसके नीचे थर्ड पोजीशन पे लिखना है 1/2. तो हम उसको भी लिखते हैं जिस तरह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. जी स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने लिख दिया जिस तरह हमें क्वेश्चन दिया हुआ था. 8/19 का मतलब है 16/18, 2/3 का मतलब है 12/18, 9/18 का मतलब है 1/2. तो ये सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा ये 2/3 है, उससे छोटा ये 1/2 है. तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, हम बड़े से छोटे की तरफ मूव किया हमने. तो आई होप जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे बनाना है. आपने सिंपली क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम फाइंड करने के बाद जो है आपको खुद ही पता चल जाएगा जिस तरह ये सबसे बड़ा है 16 है, उससे छोटा 12 है, उससे छोटा 9 है. तो आप जो है इसको खुद ही अरेंज कर लेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.